हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीत और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। ओके सो गाइस, तो मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए ब्लॉग लेकर आ चुका हूँ। कॉज में ब्लॉग इसलिए नहीं दे पा रहा था ना, कॉज मेरा कॉलेज वगैरह था और पर्सनल काम वगैरह था और मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी था, थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने। तो अभी तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो मेरा एग्ज़ाम का जो सेंटर पड़ा वो भुरकुंडा साइड पड़ा, तो आज मैं सोच रहा था कि पतरातू का ब्लॉग करूँ आप लोग के लिए। तो पहले एग्ज़ाम दे लेते हैं, फिर पतरातू इन्जॉय करते हैं और पतरातू के बारे में आप लोग को बताते हैं क्या पे क्या क्या चेंजेस हुआ और पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अपने दोस्त को पिक करता हूँ जो कि मेरे साथ एग्ज़ाम देने जा रहा, रास्ता में क्या क्या होगा वो सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहे और जो जो लोग नए हैं वो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। यहाँ लाइक का बटन होगा और यहाँ सब्सक्राइब का बटन। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम देके निकल चुके हैं। मैं वहाँ ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। तो आज मैं आया अपने फ्रेंड आयुष के साथ जो कि मेरा बैचमेट है, क्लासमेट है। तो वो चेंज होते रहता सेमेस्टर में कॉलेज में, तो अंकित अभी मेरे साथ नहीं, अंकित तो थोड़ा दूसरा हो गया। तो अभी हम लोग हैं पतरातू डैम का जो मिराज है फाटक, जो कि बारिश वारिश आने में जो कि पानी वगैरह भर जाता तब खुलता, तभी हम लोग यहाँ। तो अभी मैं आप लोग का है ना जलेबी घाटी लेकर जाने वाला हूँ जो कि ऊपर में, ज़्यादा नहीं 6 किलोमीटर। मेरा यहाँ आने का प्लान है ना रिसेंट बना, मतलब अचानक ही बन गया। कॉलेज जो मेरा सेंटर था वहाँ बगल में था, मैंने इससे पूछा तो बोला चलो चलते हैं ना एक्सप्लोर करता। मैंने रील वगैरह में भी देखा था कि यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, तो एक्सप्लोर करते देखते क्या होता है क्या नहीं। तो ब्लॉग में बने रहिए और धूप तो इतना ज़्यादा ही है झारखंड में, क्या ही बताऊँ। गैस तो हम लोग जलेबी घाटी पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में, तो यहाँ से अभी आपको पूरा प्रॉपर जलेबी घाटी में आप लोग एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो आप लोग व्यू चेक करें, पहाड़ वगैरह जो कि पूरा सूखा हुआ और गर्मी इतना ज़्यादा है, लेकिन आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, इधर जाना और ऊपर जाते देखते। रील में तो मैंने बहुत कुछ देखा था कि पेंट वगैरह हो गया, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं जिस व्यू की बात कर रहा था वो व्यू ये है। तो आप लोग रोड देखिए, ऐसा लगेगा ना बिल्डिंग बना ऐसे 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 ऐसे। तो अभी मैं आप लोग को ना वहाँ जाके वहाँ से पूरा व्यू दिखाऊँगा, पूरा पहाड़ वगैरह सारा जितना भी है ना सारा व्यू इन्जॉय कराऊँगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रांची लिखा हुआ, तो रांची का साइड एरिया है तो उतना आप लोग टेंशन मत लेना। यहाँ ज़्यादातर आप लोगों को कपल ही दिखेंगे जैसे वहाँ जा रहा मीटिंग मोड। चलिए चलते ऊपर, तो एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ शिवलिंग का आकार कर रहा है। अभी हम लोग है ना ऐसे पूरा घूम के ऐसे 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 करके फिर ऐसा है और फिर अभी ऊपर जाएंगे, तो सोचिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा पतरातू को लोगो दिया हुआ, अभी तो और ऊपर जाना, ऊपर में तो मस्त मस्त लोकेशन है। गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर और अभी हम लोग रुके गुपचुप खाने के लिए, तो भैया बना रहे गुपचुप। रुमाल उतारो ना भाई, हे बाबू शर्मा रहा लड़का पूरा, मिर्ची नहीं डालेगा अंकल, गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाता होगा आप लोगों, भाड़ा वाड़ा भी लगता है यहाँ का सब फ्री। पेंट उंट कब हुआ है यहाँ? तो गाइस ये वाला पेंट अभी न्यू हुआ, तो यहाँ फ़ोटो जाके खिंचाएंगे, यहाँ भी फ़ोटो खिंचाएंगे और एक्सप्लोर करते हैं इधर पूरा पहाड़ वगैरह। दीजिए तो गाइस हम लोगों ने गुपचुप खा लिया, तो अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करेंगे। ये भैया लोग यहाँ से हटेंगे फिर शूट करेंगे और यहाँ पे एक लोगो, तो यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटो शूट कर सकते। धूप इतना हो रहा है ना, मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका है, तो क्या ही बोला आपको। यहाँ का आप लोग व्यू देखो मस्त लग रहा है। तभी चलते उधर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, कॉज इसको आइसक्रीम खाने का मन है। गाइस के इतना गर्मी है ना कि मेरा फ़ोन है ना ओवरहीट का वार्निंग देने लगा। तो पतरातू वैली का जो ये बोर्ड है आप लोग यहाँ पर फोटो शूट कर सकते हो। तो, फोटो खींच भाई, मेरा फोटो खींच। गाइस गुपचुप खाने के बाद एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए इधर, तो अभी हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। आयुष खिलाएगा आइसक्रीम, कौन सा खिला रहा है, 1.5 लाख वाला 2 करोड़ वाला?
डेढ़ लाख वाला आज आइसक्रीम खिलाया, तो देखते हैं कहाँ डेढ़ लाख वाला आइसक्रीम। अमूल कूल व्यू चेक करा आप लोग, यहाँ व्यू तो इसलिए इतना खाली खाली लग रहा है, अगर यहाँ पब्लिक होती ना पैर रखने की जगह रहता, यहाँ पब्लिक होती ना पैर रखने का जगह नहीं था। तो इन्हीं के पास देखो शायद मिल जाए, और इधर आप लोग व्यू चेक कर सकते हो। बहुत गर्मी गाइस, बहुत गर्मी, क्या ही बोल, एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा था इसलिए मैं आ गया, नहीं तो पर्सनली ले लो, नहीं तो पर्सनली मैं आने नहीं जा रहा था दिन के टाइम में, शाम के टाइम में आता बात अलग रहता, घूफिया ना पूरा सूखा सूखा वेदर ना। और यहाँ पर लड़का ले रहा है आइसक्रीम, ले लो जो मिल रहा ले लो, और कुछ तो यहाँ मिलेगा ना वेराइटी। गाइस तो आइसक्रीम वगैरह खा के अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको घर जाके दे दूँगा। बस धूप इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ घूमने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, पूरा दिमाग ख़राब हो चुका। और यहाँ पे देख ही सकते हैं ईद के कारण तीन चार दिन से बहुत भीड़ है, मतलब बकरीद, तो सीधे मिलते घर जाते। गाइस तो अभी हम लोग घर वापस जा रहे थे, तो हमें फिर से बिल्डिंग वाला व्यू दिखा जिसमें प्रॉपर अच्छे से पता चल रहा लग नहीं रहा घर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे आइसक्रीम खा रहे थे, फिर ऐसे 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 पूरा नीचे आए। अगर गाइस आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन मेन इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ मिलने वाला, कॉज वीडियो में तो उतना अच्छे से मैं बता नहीं पाया, कॉज इतनी ज़्यादा गर्मी था ना, 42 डिग्री रामगढ़ का टेम्परेचर था, चूँकि मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका था। अब मेरा मन नहीं था पदरातू जाने का, मेरा एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा था इसलिए मैं गया, नहीं तो मेरे घर वाले को पता चलेगा कि मैं 42 टेम्परेचर में गया था ब्लॉग बनाने, तब तो मेरा हो गया कल्याण। बट हटाइए, लाइसेंस है मेरे पास, एडमिट कार्ड जो कि बैग में रखा हुआ, जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला मेन मेन इन्फॉर्मेशन, पतरातू वैली जाने के लिए ना आपको मतलब गूगल में सर्च करना होगा पतरातू वैली, पतरातू रिजॉर्ट, पतरातू डैम, जो भी आप सर्च करोगे ना वो वहाँ शो हो जाएगा, तो आप लोग जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, घूम फिर सकते हैं, इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। मैंने रिजॉर्ट का ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने बस जलेबी घाटी का ब्लॉग बनाया, कोई रिजॉर्ट जाने का मेरा प्लान नहीं था, तुरंत आना था तुरंत जाना था। और जो मेरे साथ जो बंदा था उसको घर में भी काम था 3-4 बजे से, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं घूमा, और मेरा गला भी बैठ गया कॉज मैंने वहाँ धूप में पानी पी लिया था, आइसक्रीम भी खा लिया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग को कौन सा चाहिए। दो ब्लॉग और रेडी है, मैं एक दो दिन बाद डाल दूंगा, कहाँ का ब्लॉग होगा वो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हो तो विनीत आनंद का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, विनीत आनंद _, तो जाओ जाकर फॉलो करो, कॉज मैं वहाँ अपनी सारी अपडेट्स देते रहता हूँ। बाय।